ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कानपुर में एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल का डिस्ट्रिक्ट 109N का अधिष्ठापन समारोह सिविल लाइंस में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन और राष्ट्र वंदना से हुआ। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब इंटरनेशनल के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष एल पंकज श्रीवास्तव ने शिरकत की। बता दें कि इस दौरान एली पंकज श्रीवास्तव ने कहा कि संस्था सेवा का स्वदेशी स्वरूप है और सेवा ही सर्वोपरि है। उल्लेखनीय है कि संस्था द्वारा सदस्यों से प्राप्त सदस्यता शुल्क की संपूर्ण राशि अपने देश में ही सेवा कार्यों में उपयोग होती है, जबकि इसके विपरीत अन्य समकक्ष संस्थाओं का इस राशि का लगभग 50% हिस्सा उनके विदेशों में स्थित कार्यालयों को भेजा जाता है। संस्था के उद्देश्यों एवं उत्कृष्ट सेवा कार्य से प्रभावित होकर आज हमारे देश में लगभग 82 से अधिक डिस्ट्रिक्ट, 1300 से अधिक कनबस और लगभग 24,000 सदस्य हैं। वर्तमान में संस्था के विदेश में लगभग 24 देशों में अपने डिस्ट्रिक्ट चैप्टर्स एवं क्लब्स स्थापित हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, पाकिस्तान, फिलीपींस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, अमेरिका जैसे देश शामिल हैं। वहीं संस्था के मुख्य प्रोजेक्ट के रूप में वृद्धा आश्रम एवं कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और इसके इलाज के बारे में प्रमुखता से बताना है। प्रमुख वक्ता के रूप में बोलते हुए अंतर्राष्ट्रीय निदेशक एली शेखरानंद वर्मा ने कहा कि एसोसिएशन ऑफ अलायंस क्लब्स इंटरनेशनल एक सार्वजनिक कंपनी है। यह हमारे क्लब का कार्यक्रम है जिसका नाम है एलीज इंटरनेशनल। इस क्लब में हम लोग सोशल वर्क करते हैं। हमारी सोसाइटी में जो कमज़ोर लोग हैं, जो और फंक्शंस हैं, जैसे कि किसी चीज़ को डेवलप करना है या एजुकेशन देना है, उसके लिए हम लोग ये क्लब चलाते हैं। ये क्लब इंटरनेशनल है, नेशनल नहीं है, और इसमें इसी तरह कार्यक्रम हम लोग करते हैं। ये आज जो हमारी मीटिंग हो रही है, इसमें आज हमारे क्लब ने, अलायंस इंटरनेशनल ने मुझको 109N का डिस्ट्रिक्ट गवर्नर नियुक्त किया है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट 109 है। जब ये इसकी स्थापना हुई थी तो मैं ही डिस्ट्रिक्ट गवर्नर था। अब मैं उससे प्रमोट होते होते इंटरनेशनल डायरेक्टर। आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, क्या प्रोग्राम है? आज का प्रोग्राम ये है कि हमारे हर साल नए डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपॉइंट होता है। तो जब नया डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपॉइंट होता है तो एक इंस्टॉलेशन सेरेमनी होती है जिसको अधिष्ठापन समारोह कहते हैं। तो आज जो हमारे पिछले गवर्नर थी एली हेमानी श्रीवास्तव जी, उनका टर्म पूरा हो गया था, उसके बाद इनका नॉमिनेट किए गए हैं प्रदीप मोहन चौधरी जी को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। तो आज उनका अधिष्ठापन समारोह था और उन्होंने अपनी जो भी कैबिनेट बनाई है, वह सेक्रेटरी, ट्रेजरर्स वगैरह की, उन सभी का आज शपथ ग्रहण समारोह था। आपके क्लब का मेन उद्देश्य क्या रहता है?